ये है आम जिंदगी। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। ये है मेंटोस जिंदगी। क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक उस जमाने के हीरो की जिसकी पॉपुलैरिटी आज के जमाने के स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन से भी कई गुना ज्यादा थी। अगर ये हल्की सी स्माइल कर देते थे तो लड़कियां पागल हो जाती थीं, हल्का सा डायलॉग मार देते थे तो ऑडियंस पागल हो जाती थी, और अगर हल्का सा एक्शन कर देते थे तो गुंडे पागल हो जाते थे। मैं किसी और के नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ 80s-90s के पॉपुलर हीरो मिथुन चक्रवर्ती की। इनके स्टाइल के आगे आजकल के एक्शन हीरो, बड़े बड़े सुपर हीरो सब फेल है, कोई शक। तो चलो भाई, आज हम देखने वाले हैं मिथुन दा के फनी एक्शन, फनी स्टंट, फनी फाइट वाले सीन। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो कृपया इस वीडियो को हंसी मजाक के नजरिए से देखना। ठीक है, फुटबॉल तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये रंगीले बदमाश एक गर्भवती औरत को रस्सी से बांध के उसके पेट के ऊपर फुटबॉल मार के उसको टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि मिथुन दा की एंट्री नहीं होती। तो लो भाई, हो जाती है मिथुन दा की एंट्री और मिथुन दा इन गुंडों के ही घर में इन गुंडों की फुटबॉल से इन गुंडों को ही पीट देते हैं। रोनाल्डो और मैसी क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो सीखो मिथुन दा से। इन भाई साहब ने फुटबॉल को जमीन के ऊपर टच भी नहीं होने दिया और इन सारे के सारे गुंडों को धो भी दिया। ऐसी फाइटें यूं ही नहीं हो जाती भाई साहब। ऐसी फाइट करने के लिए एक बहुत ही फुर्तीला दिमाग चाहिए और बहुत ही पावरफुल बॉडी, जो कि है सिर्फ और सिर्फ मिथुन दा के पास। सही बात है। कभी कभी मिथुन दा थोड़ा बहुत आलस भी कर जाते हैं और एक ही जगह पे खड़े खड़े या बैठे बैठे गुंडों को मार भी देते हैं। अच्छा, इस सीन में मिथुन दा आ रहे हैं एक साइकिल पे और सामने लगभग एक दर्जन गुंडे इनको मारने आए हैं, पर मिथुन दा ने इनसे बचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। बस किया क्या कि साइकिल पे बैठे बैठे ही मुक्के मार के इन गुंडों की ऐसी तैसी कर दी। यही नहीं, अगर मिथुन दा सो रहे हो और गुंडे आके इनको उठाने की कोशिश करें तो पहले तो ये खटिए पे लेटे लेटे ही उनको खूब मारेंगे, फिर उसके बाद जिस खटिए पे सो रहे होते हैं उसी खटिए को उठाते हैं, उसी खटिए से इन गुंडों को मार के इनकी खटिया खड़ी कर देते हैं। कई लोग यह डायलॉग मारते हैं कि आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा या फिर आंखें निकाल के कंचे खेलूंगा, पर मिथुन दा कंचों की मदद से गुंडों के साथ खेलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुंडे लोग मिथुन दा को मारना चाहते हैं, लेकिन मिथुन दा तो लटक लटक के कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर, लेकिन इन गुंडों के हाथ नहीं आ रहे। अब जहाँ पे भी ये कार्यक्रम चल रहा है दिखने में तो ये एक गोडाउन है और इस गोडाउन में बहुत सारे डब्बे, ड्रम और बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई है, लेकिन मिथुन दा को पता नहीं कहां से पता चलता है कि इन बोरियों में है कंचे। लेकिन ये समझ नहीं आया कि इस गोडाउन में गेहूं चावल वाली बोरियों में कंचे क्या कर रहे हैं, पता नहीं। खैर, अपने को क्या लेना देना कि ये कंचे कहां से आए। हम बात कर रहे थे फाइट की। तो मिथुन दा क्या करते हैं ना, इन बोरियों को लात मार के फाड़ देते हैं और ये कंचे जमीन के ऊपर गिर जाते हैं जहाँ पे गुंडे खड़े होते हैं, फिर खुद जाके बीच में पड़े हुए एक टेबल के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं और ये गुंडे लोग मिथुन दा को मारने की कोशिश करते हैं, मिथुन दा के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंचों की वजह से ये वहीं के वहीं गिर जाते हैं और 3600 प्रकार के नौटंकियां करते हैं। ये भाई साहब तो आराम से बैठे होते हैं टेबल के ऊपर और गुंडे कंचों की वजह से अपने आप ही मर रहे होते हैं। बताओ, देख रहे हो, बिना किसी बंदे को टच किए मिथुन दा ने अपने दिमाग से खेल के इन सभी गुंडों को निपटा दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मिथुन दा मूवी में एक अपाहिज का रोल कर रहे हो और इनके सामने एक बहुत ही तगड़ा फाइटर हो तो जो मर्जी हो जाए जीत तो मिथुन दा की ही होनी है। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, नहीं, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा हो वो अपनी बैसाखी निकाल के एक गुंडे को मारता है और वो गुंडा हवा में फ्लिप करता हुआ 100 फुट दूर जाके गिरता है। ये कैसे किया तूने? I don't know. पर अपने मिथुन दा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि अपने हाथ से इस बैसाखी को निकाला और इस बैसाखी को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए गुंडे के पेट के आर पार कर दिया।
शाबाश। बैसाखी से तलवार ही नहीं बल्कि ये भाई साहब दुनिया के किसी भी सामान से हथियार बना सकते हैं। और इसी बात पे एक महान कवि श्री श्री मिथुन दास जी लिखते हैं, एवरीथिंग इज ए वेपन, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज इट। ये बात इस कवि ने सिर्फ कही नहीं है बल्कि करके दिखाई है। इन भाई साहब के हाथों में अगर गमछा भी हो तो वो गमछा भी किसी तलवार, किसी डंडे, किसी हथियार से कम काम नहीं करता। इस सीन में गुंडों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और अपनी बंदूकों से मिथुन दा के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इतनी नजदीक होने के बावजूद भी एक भी गोली मिथुन दा को नहीं लग रही और मिथुन दा इन गोलियों से बच रहे हैं। बचते बचते मिथुन दा एक ट्रक के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं पर गलती से ट्रक का टूल बॉक्स खुल जाता है। उसके अंदर पड़े होते हैं अलग अलग टूल्स जिनको देखने के बाद मिथुन दा की आंखों के अंदर चमक आ जाती है। अरे भाई साहब एक एक करके एक एक टूल को उठाते हैं और गुंडों के ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। भाई तुम गुंडे लोग ट्रेनिंग कहाँ से लेते हो? तुमको बड़ा सा बड़ा हथियार दे दिए जाए लेकिन फिर भी तुम हीरो से पिट कहीं आओगे? अब तुम खुद ही अपने अंदर झांको। तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े हथियार थे लेकिन मिथुन दा ने तुमको स्क्रू ड्राइवर, पाना फेंक फेंक के मारा है। ऐसे ऐसे चिंदी हथियारों से अगर तुम मरने लगे तो मार्केट में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? लानत है तुम लोग पे, लानत। भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मिथुन दा हथियार ना बना पाए। किसी भी चीज का मिथुन दा हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भाई साहब टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हो और कोई इनको डिस्टर्ब कर दे तो ये भाई साहब टेलीफोन उठा के मार देते। अगर ये आटा गूंद रहे हो और कोई गुंडा आके इनको डिस्टर्ब कर दे तो ये भाई साहब आटे से भी मार देते हैं। मैं हर सख्त चीज को पतला कर देता हूँ। और अगर गलती से इनकी फाइट जिम में हो जाए तो ये भाई साहब डंबल उठा के मार देते हैं। इतनी क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से हो? इतना सब कुछ एक आम इंसान कर ही नहीं सकता। ये तो मिथुन दा ही है जो ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये तो महान है और आज के लिए इनकी इतनी महानता के कारनामे काफी हैं। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।